नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज श्रावण मास का सबसे पुनीत दिन है, यानी पहला सोमवार है। तो श्रावण मास के पहले सोमवार की भी हमारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयां। हमारा चूंकि आज का विषय भी यही है, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से है। 18 जुलाई 2022 का दिन है, सोमवार का दिन है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। विक्रम संवत 2079 है, शक संवत 1944 वर्तमान में चल रहा है। आज का जो दिन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी हम बात करते हैं वो है राहु काल। तो आज राहु काल इस समय चल रहा है, यानी प्रातः 7:30 से 9 बजे के बीच में इस समय राहु काल चल रहा है। और आज का जो ग्रह गोचर है वो बड़ा कमाल का है। देखिए, कल कर्क संक्रांति थी, यानी 17 जुलाई को। हमारे यहाँ जैसे हम 12 संक्रांतियों की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कल कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश हो चुका है। तो आज सूर्य कर्क राशि में है, चंद्रमा आज मीन राशि में गोचर कर रहा है, समय मीन राशि में है। अब मंगल ग्रह समय मीष राशि में बैठे हुए हैं। वहीं बुध ग्रह भी सूर्य के साथ चलते चलते अब कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए, सूर्य और बुध जिस प्रकार से मिथुन और मिथुन के बाद अब कर्क में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके चलते सावन की झड़ी अब पूरे हिंदुस्तान में लगी हुई है। हालांकि इसका कुछ जगह बहुत ज्यादा प्रकोप देखना पड़ रहा है, कुछ जगह अभी भी कमी देखना पड़ रही है। लेकिन लगातार वर्षा ऋतु, यानी श्रावण मास में जिसको हम कहा जाता है कि वर्षा ऋतु अपने शबाब यानी पीक पर होती है। बात करते हैं अगले ग्रह की, जो कि ग्रह है हमारा गुरु। वो अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में बैठे हुए हैं। वहीं शुक्र ग्रह अब आगे बढ़ चुके हैं, वह मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि ये भी उनके प्रिय मित्र यानी बुध की राशि है। आगे बढ़ते हैं, शनि यानी शनि इस समय मकर राशि यानी स्वयं की राशि में है, परंतु वक्री गति से गोचर रथ है। राहु इस समय मीष राशि में है और केतु इस समय तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। जी जी पंडित जी, और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान इस कार्यक्रम के दौरान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं। और सावन माह से जुड़ी कोई भी जानकारी आप पंडित जी से लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा भी किसी तरह का आपका प्रश्न हो तो वो भी आप ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी से पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। और जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रावण सोमवार की, आज सावन महीने का पहला सोमवार है, इसका महत्व क्या होता है और किस तरह से ज्योतिषीय इसका भेद है, ये भी हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। जी पंडित जी, बिल्कुल। देखिए, श्रावण मास जिसके नाम से ही समझ में आता है कि श्रवण करने का महीना यानी सुनने का महीना। इस महीने में आपको सुनना है, शांत रहना है, मन को शांत रखना है। देखिए, चंद्रमा का दिन होता है आज, जैसे हम बात करते हैं श्रावण मास के सोमवार की, तो सोमवार यानी चंद्र का वार। देखिए, आज ऐसा कहा जाता है कि श्रावण मास के सोमवार के दिन प्रथम जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे गुजरात के सोमनाथ में, जिनको सोम यानी चंद्रमा ने जिनके कहने पे, जिनकी तपस्या पर भगवान शिव उस पावन तीर्थ पर प्रकट हुए थे। कहानी कुछ इस प्रकार से है, हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास है मेरा। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि चंद्रमा यानी सोम का विवाह ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे दक्ष प्रजापति, उनकी 27 कन्याओं के साथ विवाह हुआ था। देखिए, वो 27 कन्याएं नक्षत्र के स्वरूप में थी। पहले नक्षत्र से शुरू होती हैं, यानी अश्विनी नक्षत्र से शुरू होती हैं और
मीन राशि का जो नक्षत्र है वो है रेवती, वहां तक उनके नाम आते हैं, यानी 27 कन्याओं से विवाह हुए। परंतु जैसा हम सभी जानते हैं, ज्योतिष की ये बात है कि वृषभ राशि में जो नक्षत्र होता है रोहिणी, जिसमें चंद्रमा उच्च का कहा जाता है, रोहिणी बहुत ही सुंदर थी और अपनी वो 27 पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रेम यदि किसी से करते थे तो वो केवल केवल रोहिणी से करते थे, जिसके चलते सारी पत्नियां उनसे नाराज हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वो श्रापित हो गए। अच्छा, श्राप भी उनको क्या मिला कि इस प्रकार श्रापित हुए कि उनको शरीर में कोढ़ हो जाएगा, यानी अर्थात वो कुरूप हो जाएंगे, और कुरूप होने के बाद उनका शरीर क्षय होने लगेगा, यानी क्षय होकर समाप्त हो जाएगा। भगवान चंद्रमा बेहद घबराए और जैसा हम सभी जानते हैं कि उनको प्रेरणा प्राप्त हुई, महर्षि नारद से। तो नारद ने कहा कि आप गुजरात के सौराष्ट्र में, जिसको बहुत सुंदर पावन तीर्थ कहा जाता है, कि आप वहां पर जाएं और भगवान शिव की आराधना करें। देखिए, भगवान शिव एक प्रकार से चंद्रमा के साडू भाई थे, क्योंकि चंद्रमा की जो पत्नियां थी वो माता सती की बहनें भी थी, लेकिन भगवान शिव इस ब्रह्मांड के संचालक हैं। भगवान शिव की उन्होंने प्रार्थना की और उस प्रार्थना में जिस मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया, जिसको महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, जिसको बाद में मार्कंडेय ऋषि ने भी उस मंत्र का जाप किया था, जिससे उनकी भी रक्षा हुई थी। तो मंत्र इस प्रकार से है, हमारे दर्शकों के ज्ञान वर्धन के लिए भी मैं इस मंत्र का उच्चारण कर देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम हौ जूम सह, ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम हौ जूम सह। तो ये भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र, जिसका जाप करके चंद्रमा ने अपने रोगों से मुक्ति पाई। जी पंडित जी, इस पर आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। पंडित जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ की भिलाई से, शारदा। शारदा जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। आज जिनके विषय भी आपका प्रश्न है, शारदा जी सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तारीख, समय और स्थान बता दें। नमस्कार पंडित जी, 13 नवंबर 1966 जी, 1966 जी, सुबह के 3 बजे खड़गपुर का जन्म। जी, प्रश्न करें। आने वाले समय में स्वास्थ्य कैसा रहेगा और नौकरी में परिस्थितियां कैसे रहेगी, कृपया बताइए पंडित जी। जी चलिए शारदा जी, मुझे लगता है ये आप ही की जन्म कुंडली है, जैसा कि आपने पूछा है। तो कन्या लग्न की जन्म कुंडली है और वृश्चिक आपकी राशि है। वर्तमान में जो आपके ऊपर महादशा चल रही है वो शुक्र की महादशा है, और शुक्र की महादशा में आपके ऊपर जो प्रत्यंतर है वो है राहु का, और ये आपके ऊपर प्रारंभ हुआ है 25 अप्रैल 2020 से, और इस राहु का जो अंतरदशा समाप्त होगी वो समाप्त होगी 26 चार 2023 को। अब आपने पूछा कि आपका भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, अभी तो वर्तमान में 16 अप्रैल से, क्योंकि शनि वक्री होकर आ गया है, बहुत सारे पंचांग में 12 तारीख से हुआ, बहुत सारे पंचांग में 11 तारीख से हुआ, कुछ पंचांगों में 16 जुलाई से हुआ। तो शनि इस समय वक्री गति से मकर राशि में है, तो आपको 23 नवंबर तक तो वो आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा, लेकिन 23 नवंबर के बाद जैसे ही शनि कुंभ राशि में मार्गी होकर चलेगा और जनवरी 2025 तक वो मार्गी गति से भ्रमण करता रहेगा, तो आप मानकर चलिए कि शनि का जो ढैया है ये आपको बेहद तंग करेगा, क्योंकि आपकी मूल जन्म कुंडली में शनि कुंभ राशि में ही वक्री होकर छठे भाव में बैठा है। तो जब तक शनि 2025 में 29.5 डिग्री यानी कुंभ राशि को पार करके मीन राशि में नहीं पहुंचेगा, तब तक वो आपको तंग करेगा। दूसरा, क्योंकि राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही है, मैंने आपको बताया कि राहु की महादशा का जो प्रत्यंतर है वो प्रत्यंतर में राहु समाप्त होगा 26 अप्रैल 2023 तक। तो ये समय आपके लिए विशेष कष्टकारी रहेगा शारदा जी, इस समय आप अपने ग्रहों का ध्यान रखें। जहां तक प्रश्न है नौकरी का, तो आप नौकरी को बहुत ध्यान से करिएगा इस समय, कार्य क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य में और बाकी चीजों में
आपको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें, आज चूंकि भगवान भोलेनाथ का दिन है शारदा जी, तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना विधि पूर्वक करें और उनसे कहें कि मेरे आने वाले जीवन के जो कष्ट हैं उनका आप निवारण करें। बिल्कुल, शारदा जी इन उपायों को आप कर सकती हैं और निश्चित तौर पर आपको दैनिक जीवन में लाभ मिल सकता है। वहीं दर्शक निजी परामर्श भी पंडित जी से ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बरेली से, ऋषिका। ऋषिका जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं पहले, इसके बाद अपना सवाल पूछें। जी ऋषिका जी, आप सुन पा रही हैं हमें? जी हेलो, हाँ, मैं अपनी तबियत के बारे में जानना चाहती हूँ। जी मेरा, हाँ, मेरा जन्म, हाँ, दो, हाँ, 2006 का है, सुबह 9 बजे का, 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 2009 सुबह 6 बजे का जन्म है। दो हजार छह, और जन्म का स्थान बता दें। स्थान बरेली, डिस्ट्रिक्ट राजगैन। जी प्रश्न करें। हाँ, प्रश्न ये है कि मैं अपने जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या डॉक्टर लाइन में जा सकती हूँ? प्रश्न एक बार दोहरा दें। ऋषिका जी आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं मिल पा रही, निवेदन है कि प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दें। हाँ, बोले मैं अपने के बारे में जानना चाहती हूँ, विवरण कर दीजिए, तो मैं यानी अपने डॉक्टर की लाइन में जा सकती हूँ क्या? जी, स्वास्थ्य को लेकर इनका प्रश्न है पंडित जी, जो इलाज इनका चल रहा है उससे स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या डॉक्टर इलाज में जा सकती हैं ये? चलिए, आपने ये प्रश्न पूछा है, 29 अक्टूबर 2006 आपने बरेली रायसेन मध्य प्रदेश का अपना जन्म स्थान बताया है, तो आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है ऋषिका जी, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मकर राशि की है। आप शायद डॉक्टरी इलाज यानी स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हैं। देखिए, आपकी मूल कुंडली में मंगल, चूंकि आपका लग्नेश है, वो 12वें भाव में सूर्य और शुक्र के साथ कंजक्शन में है। लग्न में बुध और बृहस्पति है। आपने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, परंतु इस समय मंगल की महादशा में बृहस्पति का प्रत्यंतर है, जो कि 17/9/2022 तक चलेगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको डॉक्टरी इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने शहर से दूर जाकर, यानी इंदौर या नागपुर में, आप अपना जो भी आपको शारीरिक कष्ट है उस संबंध में आप वहां पर जाएं और वहीं पर आप इलाज कराएं। मुझे लगता है कि वहां से आपको जरूर स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। बिल्कुल, वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसी और समस्या का ज्योतिषीय समाधान इस कार्यक्रम के दौरान आप चाहते हैं तो आप हमें इस वक्त भी कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम फिर से लौटते हैं अपने विषय की ओर। आज हम सावन के पहले सोमवार पर पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं और पंडित जी आप हमें मंत्र पर जानकारी दे रहे थे। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो 54 अक्षरों का मंत्र है और उससे जो ब्रह्मनाद स्थापित होता है, उस ब्रह्मनाथ से भगवान शिव, जो कि इस धरती के देवता हैं, क्योंकि उनका निवास इसी धरती पर यानी कैलाश पर्वत पर वो निवास करते हैं, वहीं पास में बनी हुई मानसरोवर झील है जहां पर माता पार्वती स्नान करती हैं और वहीं पर निवास करती हैं। क्योंकि बात हो रही थी श्रावण सोमवार की और मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार चंद्रमा क्षय होने लगे थे, तो चंद्रमा उस तीर्थ स्थान पर पहुंचे गुजरात में सौराष्ट्र के, और उस तीर्थ स्थान पर उन्होंने मंत्र का लगातार जाप किया। चूंकि उनको श्राप मिला था, उस श्राप का पालन भी होना था और उनको जीवित भी रहना था, तो भगवान शिव ने उनको एक आशीर्वाद दिया कि आपका जो क्षय होगा वो पूर्णमासी से अमावस्या तक आप पूरी तरह से क्षय यानी समाप्त होंगे, बिल्कुल शून्य की स्थिति में दिखाई देंगे, और वापस अमावस्या से जब प्रतिपदा प्रारंभ होगी यानी पूर्णमासी तक, आप फिर से अपने उसी आकार में आ जाएंगे। तो भगवान शिव ने जब उनको ये वरदान दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रभु आपने मुझे इस स्थान पर वरदान दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका दिव्य स्वरूप स्थापित हो। भगवान सोमनाथ में सोम यानी चंद्रमा के नाथ के रूप में वहां पर प्रकट हुए और वहीं पर वो स्थापित हुए। सोम का एक दूसरा तात्पर्य अमृत से भी होता है। ऋग्वेद में पौमांश सूक्तम की बात की जाती है
जिसमें देवता सोम यानी अमृत रूपी द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अमृत रूपी द्रव्य यदि कहीं से प्राप्त होता है तो वो केवल केवल भगवान शिव से प्राप्त होता है। हालांकि ऋग्वेद में पौमांश सूक्त दिया हुआ है, जो लोग संस्कृत के जातक हैं और भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज के दिन कोशिश करें पौमान सूक्त का पाठ करें। बहुत ही टिपिकल है, ऋग्वेद की ऋचाओं में इसको दिया गया है, उसको पढ़ने का अपना एक तरीका है। एक किसी योग्य गुरु से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, चूंकि वो बहुत बड़ा होता है। हमारे इस 20 मिनट के कार्यक्रम में हम उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन हमारे दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि उसको जरूर आप सुने। यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा, तो आप उसके श्रवण मात्र से, माने पौमान सूक्त के श्रवण मात्र से आप अपने जीवन में उस अमृत रूपी द्रव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज श्रावण का सोमवार है, भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन है, तो आप आज के दिन आपके घर के आसपास जो भी ज्योतिर्लिंग हो, जो भी शिवलिंग हो, जो भी पावन मंदिर हो, चूंकि भगवान शिव हर कंकण में निवास करते हैं। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन दायिनी नदी है, उसमें कहा जाता है हर कंकर शंकर के बराबर होता है। तो आज आप उस शिव रूपी तत्व को अपने अंदर समाहित करें और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। बिल्कुल, इन उपायों को निश्चित तौर पर दर्शक कर सकते हैं और उन्हें लाभ मिलेगा। पंडित जी, वहीं इस बार की यदि हम सावन मास की बात करें तो इस बार का जो सावन मास है वो किस तरह के योग संयोग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कितना ज्यादा लाभकारी ये देश प्रदेश और विश्व के लिए हो सकता है? देखिए, इस बार श्रावण मास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि श्रावण मास में हमेशा सूर्य कर्क संक्रांति में आता है, कर्क राशि में। देखिए, कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि, चंद्रमा की राशि यानी चंद्रमा भगवान शिव जिनको अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं। दूसरा बुध, वो भी चंद्रमा की राशि यानी कर्क में भ्रमण कर रहा है। तो आप देखिए किस समय सबसे ज्यादा सौम्य वातावरण होता है। श्रावण मास में खासतौर से सोमवार का दिन इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो भगवान शिव का प्रिय दिन होता है। देखिए, भगवान शिव के साथ दो चीजें सबसे ज्यादा होती हैं। आप हमेशा देखेंगे भगवान शिव के गले में सर्प होता है, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होता है और भगवान शिव के सम्मुख नंदी विराजमान होते हैं। तो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा होती हैं। तो आप देखिए कि उन्होंने सोम यानी चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया हुआ है। तो आज के दिन जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा ग्रह बेहद कमजोर स्थिति में है तो उनको विशेष प्रकार से वो पूजा करेंगे। जो चंद्रमा से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं उनके जीवन में वो निसंदेह दूर होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतवर्ष चूंकि कर्क राशि का देश है, कर्क राशि यानी जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है, तो क्या करें, भगवान शिव को मनाइए ताकि आपका चंद्रमा दूर हो। और चंद्रमा को कैसे मना सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ चीजें आज अपनी पूजा में समाहित करना होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हर घर में आपको कच्चा दूध मिलेगा, इसके लिए आपको बाजार से अलग से कुछ भी नहीं लाने की जरूरत है। हर घर में या तो पैकेट या गाय या भैंस किसी का भी दूध आता है तो थोड़ा सा कच्चा दूध आज रख लीजिए। यदि आपके घर में दही है तो बहुत ही शुभ है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाजार से ला सकते हैं तो जरूर लेकर आइए। तो दूध, दही, घी हर घर में होता है तो थोड़ा सा घी ले लीजिए। शहद हर घर में हमेशा पाई जाती है, नहीं है तो आज थोड़ी सी शहद लेके आइए। और शक्कर, जो कि हर घर में चाय, कॉफी या दूध पिया जाता है तो शक्कर हमेशा होती है। तो ये पांच चीजें जिनको हम पंच प्रकार की पूजा में पंचामृत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आज भगवान शिव का हमको इससे अभिषेक करना है। कैसे करें, सबसे पहले आप जो आपके यहाँ शुद्ध जल आप है उसको आप रख लें और एक लकड़ी का पटा लें, उसके ऊपर भगवान शिव, एक थाली में भगवान शिव का शिवलिंग या प्रतिमा के स्वरूप में हो आप उनको वहां पर स्थापित करें, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में नंदी का होना बेहद जरूरी है। बिना नंदी के भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप भगवान शिव को बिठाएं, पंचोपचार यानी सबसे पहले दूध, दही। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, आपकी बात पूरी करें और फिर उसके बाद हम दर्शकों की तरफ जाएंगे। नहीं, मैं आप
आप पहले प्रश्न पूछ लीजिए, फिर मैं उस पूरी विधि जी को बता देता बिल्कुल हूँ। पंडित जी, इस वक्त एक दर्शक छत्तीसगढ़ के महासमुंद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामानंद। रामानंद जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। जी हेलो जी, रामानंद जी, आप सुन पा रहे हमें? हाँ, मेरा नाम है रामानंद सोनवानी। मैं जो भी काम कर रहा हूँ, काम भी बन रहा है, क्या कैसा है, क्या है, इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं पंडित जी से। जी, आपने प्रश्न कर लिया रामानंद जी, आपसे निवेदन है कि आपके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। हाँ, मैं मेरा स्थान है छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला खैरत कला। जी, जन्म की तारीख? और मेरा जन्म स्थान है 1975 का 11 बजे। जन्म की पूरी तिथि बता दें, कौन से महीने में? 1975 का है जी। तारीख बता दें, किस दिनांक को हुआ था, कौन से महीने में हुआ था? दिन का 11 बजे। रामानंद जी, आप जन्म की पूरी तिथि बता दें, किस महीने में हुआ था, कौन से दिन को हुआ था? रामानंद जी, आप सुन पा रहे हमें? जी सर। जी, जन्म की पूरी तारीख बता दें, दिनांक बता दें, डेट बता दें। चलिए, लगता है इन्हें दिनांक ज्ञात नहीं है पंडित जी। 1975 की जानकारी इन्होंने दी है और छत्तीसगढ़ का जन्म बताया है, और कोई भी काम इनका नहीं बन पा रहा है, ये इनका प्रश्न था। चलिए, मैं प्रश्न कुंडली के आधार पर बता देता हूँ। कोई बात नहीं, आपकी जन्म कुंडली ना सही, प्रश्न कुंडली का भी फलित उसी प्रकार से होता है। और आपने चूंकि इस समय मेरे से प्रश्न पूछा है, जिस समय 8:18 हो रहा है, 18 जुलाई 2022, 8:18 की ये मैंने कुंडली बनाई है। कुंडली बनती है सिंह लग्न और मीन राशि की। देखिए, अष्टम भाव में चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हैं और कर्म स्थान का स्वामी ग्रह शुक्र अपने भाव से एक भाव आगे बैठा हुआ है। तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है, वो दो ग्रहों के कारण सबसे ज्यादा है, एक तो गुरु, दूसरा बुध। क्योंकि आय भाव और धन भाव का स्वामी बुध 12वें भाव में बैठा है, तो आपके निसंदेह आप जीवन में कोई भी काम करते हैं रामानंद जी, उसमें सफलता नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती तो धन नहीं आता। तो आप अपनी कुंडली में बुध ग्रह से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करिए, यानी भगवान गणपति की आप पूजा अर्चना करें, नियमित रूप से उनके मंत्रों का जाप करें, भगवान गणपति को थोड़ी सी दूर्वा चढ़ाएं, मोदक चढ़ाएं, मोदक ना सही तो शक्कर का भोग लगा दें। दूसरा, चूंकि बृहस्पति आपकी मूल कुंडली में भी मुझे लगता है कमजोर होगा, और यहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं, तो बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर है, तो उसके लिए आप किसी योग्य गुरु की आप उनसे आशीर्वाद लें, नहीं हो तो भगवान शिव को अपना गुरु बना लीजिए। रामानंद जी, प्रतिदिन भगवान शिव का दूध के साथ आप अभिषेक करिए, उनके ऊपर सुबह प्रातः काल दूध चढ़ाए, ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए आप दूध चढ़ाइए, साथ में थोड़ा सा जल मिला लीजिए, उसमें थोड़ी शक्कर मिला लीजिए। तो जब आप इस प्रकार से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, पूरे सावन के महीने करके देख लीजिए, आपको निसंदेह लाभ होगा। यदि आपको लाभ प्राप्त हो तो आप नियमित रूप से भी इस उपाय को रामानंद जी जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और पंडित जी, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, और जिस तरह से विषय पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे, विषय पर अंतिम चर्चा के साथ हम बढ़ जाएंगे दैनिक राशिफल की ओर। जी पंडित जी, बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था भगवान शिव की पंचोपचार यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ आप अभिषेक करें, उनकी पूजा अर्चना करें, अंत में भगवान शिव के ऊपर विल्व पत्र जरूर चढ़ाइए, उनको बहुत पसंद है। उसका एक बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम 3 जन्म पाप संघार्थम 1 विल्वपत्रम शिव अर्पणम, अर्थात 1 विल्वपत्र आप चढ़ा देंगे तो 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा। तो आप चढ़ाकर देखिए, भगवान शिव की आरती करिए, उनको भोग लगाइए और उनको मना लीजिए, श्रावण का महीना है, भोलेनाथ है, तुरंत मान जाते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम अपने राशिफल को लेकर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जातकों का दिन आज सामान्य है, चूंकि आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में है, तो धर्म कर्म में आज आपकी आस्था बढ़ने वाली है। अच्छा, दूसरा, चूंकि चंद्रमा जब 12वें भाव में होता है तो जातक को यात्रा बहुत कराता है, तो आज यात्रा भी आपकी होगी, मन प्रसन्न बना रहेगा, काम काज को लेकर आपकी रुचि बनी रहेगी, तो कुल मिलाकर दिन आपके लिए बहुत बेहतर बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। चंद्रमा का गोचर आज 11वें भाव में, ग्रह शानदार बने हुए हैं, 2वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, जो आपके यश मान सम्मान में वृद्धि कराएगा, कामकाज को लेकर स्थितियां बहुत ही बेहतर बनी रहेंगी, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल बना हुआ है।
अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातकों का समय बेहद अनुकूल है, कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया है। आज आप शेयर मार्केट या अन्य प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में यदि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है आज का दिन काफी अनुकूल है, क्योंकि जो ग्रह है वो आज आपकी भरपूर तरीके से मदद कर रहे हैं, तो इसका आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें और आने वाले 4-5 दिनों तक जब तक ये स्थितियां बढ़िया रहेंगी तब तक आप उसका भरपूर लाभ अवश्य उठाइएगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य होने जा रहा है, मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी। आज से आपके भाग्य में जो आ रहे अवरोध हैं वो भी आप दूर होने लगेंगे, तनाव में कमी आएगी, प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहतर बना हुआ है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए काफी खास है। अगली राशि की चर्चा करते हैं वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक आज थोड़े से परेशान रहेंगे। देखिए, जरूरी काम बिल्कुल भी ना करें, किसी से बहस ना करें, कोशिश करें कि आज आप अपने मन को शांत रख के यात्रा यदि आप करने जा रहे हैं तो जो बहुत ज्यादा जरूरी काम है तभी यात्रा करें, वरना यात्रा करने से बचने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की हम बात करते हैं वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए, कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, मन बेहद प्रसन्न रहेगा, ईश्वर के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज जी पंडित जी आपकी बात पूरी करें। इसके बाद की अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है तुला राशि। तो तुला राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत बेहतर हो रहा है, कल की तुलना में आज की आप परेशानियां समाप्त होंगी, मन प्रसन्न बना रहेगा, खासतौर से स्वास्थ्य में आ रही गड़बड़ से अब आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आज का दिन बेहद शानदार बना हुआ है। अगली राशि की चर्चा करते हैं वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक भी आज से बहुत राहत महसूस करेंगे। देखिए, चंद्रमा अभी तक जो चौथे भाव में था पंचम भाव में आएगा, तो सबसे पहले तो तनाव कम होगा, मन प्रसन्न रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र आपका बढ़िया बना रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत शानदार है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातक आज बेहद परेशान रहेंगे। देखिए, एक तो किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, कोई काम करने की भी कोशिश करेंगे तो बाधाएं उत्पन्न होंगी, तो मेरी सलाह आपको यही है कि अभी आने वाले कुछ दिनों तक आप काम को टाल दें। विरोधी पक्ष आपको बहुत ज्यादा तंग करने जा रहा है, कुल मिलाकर समय अभी ठीक नहीं है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है मकर राशि। तो मकर राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। देखिए, कामकाज आपके मन मुताबिक होगा, आज जो भी काम करेंगे आपके हिसाब से होगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आज यदि आप प्रेम सहयोगी से मिलने जा रहे हैं तो आपके प्रेम संबंधों में आपको निसंदेह लाभ की प्राप्ति होगी और यश मान सम्मान और प्रशंसा तो आज आपकी बढ़ने ही जा रही है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। देखिए, आज चंद्रमा द्वितीय भाव में है जिसके चलते तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, धन को लेकर भी थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, तो कुल मिलाकर आज का समय ठीक नहीं है। कोशिश करें यदि किसी को आपको धन देना है तो आज धन देने से आपको बचना बेहतर साबित होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि अंतिम राशि है, यानी मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के सितारे आज से भरपूर आपकी मदद करने जा रहे हैं, मन को प्रसन्न रखेंगे, तनाव में कमी आएगी और यदि आज आप अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं तो पार्टनर से मेल मुलाकात बेहद लाभकारी रहेगी। तो कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। जी पंडित जी, तो ये था आज का दैनिक राशिफल। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और दर्शकों को इस विषय पर अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।